नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जागरूकता जन कल्याण सेवा संस्थान में पूरा फार्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों इस फार्म को देखिए किस तरीके से भरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना स्टेट चुनना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे सिटी में, और उसके बाद यहाँ पर अपनी जो ब्लॉक है ब्लॉक चुनेंगे, और जॉब कैटेगरी में तीन कैटेगरी दी है तो दोस्तों उनमें तीन कैटेगरी में आप चुन सकते हैं। और अलग अलग फीस भी है उनकी, जो आप देख सकते हैं कि जैसे जो जॉब कैटेगरी है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं वो उसकी फीस सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ग्राम पंचायत जो है उसमें और थोड़ी कम है, उसके बाद न्याय पंचायत की और ज़्यादा है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की 300 और न्याय पंचायत की 350 फीस है। तो दोस्तों हम इसमें ग्राम पंचायत का फॉर्म भरेंगे, तो ग्राम पंचायत की आप देख सकते हैं कि 300 फीस आई है, और उसके बाद यहाँ पर जो मार्कशीट में नाम है वो नाम डाल सकते हैं, और नाम डालने के बाद आप अपनी वही नाम डालिए जो आपकी मार्कशीट में हो, क्योंकि आपको हो सकता है अगर आप यहाँ पर कुछ मिस्टेक करते हैं आधार से डालते हैं तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम वही नाम डालेंगे जो मार्कशीट में है, और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो हमारी मार्कशीट में है, और उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ अपनी भर लेते हैं। तो दोस्तों नाम बहुत हिसाब से डालना है, जो मार्कशीट में हो वही डालना, और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है एडिट करते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे सही से फार्म जो है पूरा बताइए, तो पूरा किस तरीके से भरा जाता है। इसलिए मैं इस फार्म में सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि फार्म पूरी तरीके से सही ढंग से कैसे भरें। तो यहाँ पर अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद जो पिताजी का नाम मार्कशीट में है वो मार्कशीट में नाम, वो नाम आपको इसमें डालना होगा, और आगे जो है यहाँ पर जेंडर चुनेंगे मेल फीमेल, तो यहाँ पर हम फीमेल चुनते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप किसी की भी डाल सकते हैं, मगर ऐसी हो जो आपके पास परमानेंट चलती हो। अगर खुद की नहीं भी है तो आप भाई बहन की डाल सकते हैं, किसी भी घर की डाल सकते हैं, अगर अपनी है तो और अच्छी बात है। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है ईमेल आईडी इनकी डालते हैं। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर जो है डाल देना है, और ईमेल आईडी सही से डालें, क्योंकि हो सकता है कि इस पे जो नोटिफिकेशन न्यूज न्यूज निकलेगी अपडेट होगी वो इसी पे दे सकते हैं सारा कुछ, तो इसलिए ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद डिटेल अपनी चेक कर लें, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डालेंगे एड्रेस लाइन वन में। तो एड्रेस लाइन वन में आप विलेज और पोस्ट दोनों लिख सकते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा एड्रेस होता है पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से, तो यहाँ पर जो है उसके बाद तहसील कला तहसील होती है, उसके बाद कहते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और उसके बाद पिन कोड, वो सारे आप एड्रेस लाइन टू में डाल सकते हैं। तो मैंने एड्रेस लाइन टू जो है वो ब्लॉक तहसील और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और उसके बाद पिन कोड हम ये लाइन टू में डाल देंगे, और लाइन वन में अपना विलेज और पोस्ट दोनों डालेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पूरा भर लेते हैं। तो मित्रों ये डिटेल है बहुत आसानी से भरनी है, क्योंकि फार्म ये बड़ा फार्म नहीं है, छोटा फार्म है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना है। और भरने के बाद आप यहाँ पर जो लास्ट में पिन कोड यहाँ पर भी आपको डालना है लास्ट में, और यहाँ भी अपना जो पिन कोड है वो डाल सकते हैं। और डालने के बाद यहाँ पर जो है टेलीफोन नंबर और उसके बाद आधार नंबर, तो यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे हम। टेलीफोन नंबर में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो मोबाइल नंबर होता है वैसे यहाँ पर आप उनको देना चाहिए थे लिख के मोबाइल नंबर, पर फिर भी इन्होंने कुछ दिया है सोचकर, तब भी यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे आधार कार्ड नंबर। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो कितनी क्वालिफिकेशन है, तो इनकी 8 है, तो 8 से ये कर रहे हैं, तो उसके बाद 8 से इनका फॉर्म जो है भरा जाएगा। कितने में इन्होंने किया है वो डालेंगे इसमें, जो कक्षा 8 पास किया है वो कितने में किया है, सन 2000 कितने में किया है उसको यहाँ पर हम भरेंगे।
दोस्तों यहाँ पर डालने के बाद आप देख सकते हैं, आप टेलीफोन नंबर की जगह बता रहा है, तो यहाँ पर आपको भरना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भरेंगे, तो हम इनका मोबाइल नंबर जो है वो डाल देते हैं, और डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फार्म वहाँ से भर चुका है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं, यहाँ पर जो आपको फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट और जो आइडेंटिटी आईडी कार्ड है, जैसे मान लो आधार कार्ड, तो दोस्तों यहाँ पर चारों प्रूफ आपको अपलोड कर देने हैं। ये दोस्तों अब इसकी हो सकता है थोड़े बहुत दिन और वेबसाइट चले, तो आपको जल्दी से इसको भर देना है, क्योंकि इसका लास्ट चांस हो सकता है, ये लास्ट चांस हो। तो इस तरीके से हम इसको भरते हैं फटाफट, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट इनके हैं वो जल्दी जल्दी हम चारों सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को पोस्ट करेंगे, और उसके बाद क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों इसी तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों 2 MB से कोई भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा ना हो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई इसमें रिसाइज नहीं करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट के लिए क्लिक किया, और पेमेंट के लिए पेज खुल गया है। इसमें जो आपने ईमेल आईडी डाली थी फॉर्म में वही डाल सकते हैं, तो वो मैंने ईमेल आईडी, और क्योंकि इनका मोबाइल नंबर वही आ रहा है, तो हम भी इनका जो ईमेल आईडी है वही डालेंगे। और उसके बाद जिससे भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहें, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी से पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, और हम डेबिट कार्ड से करेंगे। तो डेबिट कार्ड से मैंने पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैसेज आया है। उसके बाद मैसेज हम यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। तो दोस्तों हम मैसेज को देखते हैं, और देखने के बाद हम डालते हैं इसमें। तो दोस्तों हम शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा प्रोसेस लेने बता रहे हैं, हो सकता है दिक्कत है। अब दोस्तों अगर आपका मैसेज नहीं आता है, तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और आपका जो ओटीपी है दोबारा जनरेट किया जाएगा, उसके बाद भेज दिया जाएगा मोबाइल नंबर पे। तो दोस्तों मैंने पहली बार मैसेज नहीं गया, तो मैंने दोबारा इसको रिसेंट किया, तो रिसेंट करने पर मैसेज पहुँच गया। उसके बाद हम अपना मैसेज इसमें भर रहे हैं और सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट जो मेरी है वो प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पर सेव। तो इस तरीके से पेमेंट कट जाती है। तो सर्वर की वजह से हो सकता है कि आपके यहाँ पर फोटो ना आए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके फोटो अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो है जागरूकता जन कल्याण सेवा संस्थान की जो जॉब वाली वैकेंसी निकली है, उसमें आपका फॉर्म सक्सेसफुली पड़ चुका है। तो इस तरीके से हम इसे ये प्रिंट जो है वो प्रिंट कर लिए लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पूर्ण रूप से जागरूकता जन जन कल्याण सेवा संस्थान का फॉर्म है भरते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के सीखने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी हम इस चैनल पर हम देते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।